सोलन में अखिल भारतीय किसान सभा ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने की। इस मौके पर किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल किसान सभा की आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। सोलन में अखिल भारतीय किसान सभा ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने की। इस मौके पर किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल किसान सभा की आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उनकी मांग यह है कि उन्हें सब्जियों का न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए, वहीं टमाटर पर आधारित उद्योग भी सोलन में स्थापित होना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री और एपीएमसी ने जो वायदे सोलन के किसानों के साथ किए थे, वे उन पर खरा नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वे जल्द ही इसको लेकर किसानों की महापंचायत करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने बताया कि शिमला, सिरमौर और सोलन के किसानों ने बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सोलन में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले यहां पर बैठक का आयोजन किया था। उसमें किसानों का आश्वासन दिया गया था कि सोलन में टमाटर क्रेट नहीं बल्कि वेट के हिसाब से बिकेगा। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने किसानों से 28 जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन ये प्रतीत होता है कि वे किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके चलते किसानों ने निर्णय लिया कि वे 2 अगस्त को सोलन में किसानों की महापंचायत करेंगे और उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर निर्णय लेंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, हिमाचल किसान सभा राज्य अध्यक्ष। आज सोलन में सब्जी, टमाटर एवं सब्जी उत्पादकों की बैठक हुई, जिसमें सोलन जिला के अलावा शिमला जिला और सिरमौर जिला के जो किसान सभा का नेतृत्व है वो भी इस बैठक में मौजूद रहा। मंडी से संबंधित बहुत मुद्दे थे, समस्याएं थी। 28 तारीख को मार्केटिंग बोर्ड चेयरपर्सन की अध्यक्षता में जो यहाँ पर किसानों के साथ बातचीत हुई, उन्होंने एक महीने का समय दिया था जो 28 तारीख को खत्म हो जाएगा, पर हमें ये लग रहा है कि एक महीने में उस स्तर के ऊपर जो आश्वासन मिला था अभी बहुत कुछ उस पर नहीं हुआ। इन सब चीजों को आधार मानते हुए 2 तारीख को सब्जी उत्पादक जो लोग हैं, टमाटर उत्पादक लोग हैं और जो किसान सभा के माध्यम से 2 तारीख को सोलन में जो नया बस अड्डा है उसके समीप एक महापंचायत किसानों की होगी। उसमें सोलन के हर ब्लॉक से सब्जी उत्पादक आएंगे और साथ साथ में सिरमौर से, शिमला से और जो मंडी के जो किसान है, सब्जी उत्पादक है जो सोलन के साथ अटैच हैं, वो भी इसके अंदर भाग लेंगे। और हमारा सरकार से, मंडी और जो प्रशासन है और जो मंडी की कमेटी है, उनसे केवल एक अनुरोध यही रहेगा कि जो किसानों ने डिमांड चार्टर दिया है उसे तुरंत लागू किया जाए। खास तौर पे जो टमाटर है वो वेट के हिसाब से बिके, क्रेट के हिसाब से नहीं। तो ये तो अभी मुख्य मुद्दा है, इस पर कोई भी ठोस रूप से निर्णय नहीं लिया गया। और जो दाम है, जो सुबह के समय एक मार्केट के अंदर रेट खुलता है, वो ही दोपहर बाद तक भी उस रेट के अंदर वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। अगर सेम ही वैरायटी का, कैटेगरी का और एक ही किसान का जो एक उत्पादन होता है, इन मुद्दों को लेकर जो महापंचायत होगी, लोगों में बहुत उत्साह है, उन्हें उम्मीद है कि अभी ये जो सब्जी उत्पादक जिस तरह से यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उनके माध्यम से इन समस्याओं का समाधान होगा।